आज केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया। उन्होंने ईएनआई को दिए बयान का फुटेज अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। इस मामले के तूल पकड़ते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर 12:09 में पहला ट्वीट किया। अब आप सार्वजनिक रूप से गलत बयान दे रहे हैं। मजदूर जो कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायित्व राज्य नहीं है। राज्य पर दोष मढ़ना ठीक नहीं। इस ट्वीट के बाद सीएम ने फिर एक ट्वीट करके कहा, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 मिली है। ट्रेनों के लिए हम करीब 1,17,00,000 का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्र रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। इसके साथ उन्होंने रेलवे को ट्रेन लाने किए गए भुगतान की डिटेल भी सार्वजनिक कर दी, जिनमें 14 ट्रेनों के लिए कुल 1,16,92,000 का भुगतान किया जा चुका है। एक के बाद एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने पुनः एक ट्वीट किया, इन ट्रेनों के आने के बाद हम बचे हुए श्रमिकों का हिसाब लगाकर जरूरत के हिसाब से और ट्रेनों की अनुमति मांगेंगे। अनायोजित लॉकडाउन की वजह से श्रमिक मुसीबत में फंसे, फिर उनसे टिकट के पैसे मांगे गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की निर्देश पर हम मजदूरों का किराया चुका रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से भी बयानबाजी तेज हुई थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाब दे दिया। इस बीच देखना यह है कि मजदूर पैदल घर पहुंचेंगे या राजनीति किनारे रख ट्रेन चलाई जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर एक विशेष श्रमिक ट्रेन हबीबगंज से चलकर 17 मई को रायपुर पहुंचेगी। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।